ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन इनमें मौजूद शख्स एक ही है। तस्वीर के अंदर जो तस्वीर है उसमें खूबसूरत से दिखने वाली मोहतरमा है गजाला परवीन। साल 1984 को ईद के मौके पर उनकी ये तस्वीर खींची गई। चेहरे पर खूबसूरती और खुशी दोनों हैं, नई जिंदगी के सपने हैं। अमूमन कुछ ही दिन बाद शायद गजाला का निकाह भी हो जाता, लेकिन जहरीली गैस ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस साल 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात जब जहरीली गैस ने रिसना शुरू किया, तब शायद गजाला आधी रात के सपने बुन रही होंगी। क्या पता था कि आंखों में सिर्फ सपने ही रह जाएंगे और कुछ दिखाई न देगा। जहरीली गैस ने गजाला के चेहरे की चमक छीन ली, खूबसूरती छीन ली। जिन आंखों में सुनहरे कल के सपने थे, वो आंखें, वो सपने, वो खुशी, वो परिवार, सब कुछ छीन लिया। गैस त्रासदी का असर गजाला के चेहरे पर साफ नजर आता है। यही तस्वीर काफी है उस वक्त गैस त्रासदी के हालात बयां करने के लिए। जब एक चेहरा इतना बदल सकता है तो सोचिए पूरे शहर के क्या हाल हुए होंगे। त्रासदी के बाद बहुत कोशिश की गजाला के माता पिता ने कि उसे भरपूर इलाज दिलवा सकें, लेकिन ऐसा कर पाते उससे पहले वो खुद ही त्रासदी की भेंट चढ़ गए। ये हाल न सिर्फ गजाला परवीन का है, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी इस त्रासदी के बाद बदल गई। उस कातिल रात में अपने ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों को खो चुकी आलिया भी उन्हीं में से एक है। यूं तो आलिया भी की कोई साफ तस्वीर कहीं नुमाया नहीं होती। गैस पीड़ितों के इस दर्द भरे चेहरे में आलिया भी का चेहरा कोई भी हो सकता है। गैस त्रासदी से पहले आलिया भी एकदम भली चंगी थी। आम लोगों की तरह भरे पूरे परिवार में उनका जीवन बीत रहा था, लेकिन इस एक कातिल रात ने न सिर्फ आलिया के परिवार के लोग छीने, बल्कि उनका दिमागी संतुलन भी बिगाड़ दिया। अब जब भी आलिया के घर के आसपास शोर होता है, उन्हें लगता है कि गैस त्रासदी की आहट है, और वो पागलों की तरह अपने घर में भागने लगती हैं, चिल्लाती हैं, भागो गैस निकल रही है, बच्चों को बचाओ गैस निकल रही है। पर एक रात की दहशत इतने गहरे तक आलिया के मन में पैठ जमा चुकी है, जिसके आगे मेडिकल साइंस ने भी घुटने टेक दिए हैं। आलिया के घर वालों के मुताबिक सारे इलाज करवा कर देख चुके हैं, लेकिन आलिया की दिमागी हालत नहीं सुधर सकी। इन लोगों में एक नाम और शुमार है, हाजरा बी का। हाजरा बी को भी ऐसी कोई खास पहचान नहीं मिली इस त्रासदी के बाद। उल्टे जो कुछ था इस त्रासदी ने छीन लिया। त्रासदी के बाद कुछ दिन गुजरे रोते बिलखते, अपने परिवार को याद करते हुए, लेकिन जिंदगी को यूं ही तो नहीं बिताया जा सकता। तो हाजरा बी ने भी जीना सीख लिया, अपने जैसे दूसरे पीड़ितों का सहारा बनने लगी। उस रात के बारे में कहते हैं कि गैस की तासीर को जिसने समझ लिया वो बच गया। जो लोग उस दिशा में दौड़े जहाँ से गैस रिस रही थी, उनका अंत भयानक हुआ, लेकिन जो उल्टी दिशा में दौड़े वो बच गए। कोहरे की वजह से हवा में भारीपन था, जिसकी वजह से गैस ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी। उसके बावजूद जो लोग जमीन की तरफ मुंह करके लेट गए, उनकी हालत भी बेहतर ही रही। ऐसा ही एक जिक्र मिलता है कुशवाहा परिवार का। कहा जाता है कि उस वक्त एक कुशवाहा परिवार भी उसी इलाके में रहता था जो गैस की चपेट में आ गया, लेकिन जहरीली गैस कुशवाहा परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बताया जाता है कि कुशवाहा परिवार हर रोज हवन किया करता था। जब घर में अजीब सा महसूस होने लगा तो इस परिवार ने फिर हवन की लकड़ी सुलगा दी और ठीक उसी तरह हवन क्रिया करने लगे जैसे हवन के समय करते हैं। हवन की अग्नि से जहरीली गैस का असर खत्म हो गया और ये परिवार बच गया। कहानियां ऐसी और भी हैं, किस्से कई हैं, कई और जिंदगानियां हैं जो जहरीली गैस की चपेट में आकर दम तोड़ गईं। काश कि कुशवाहा परिवार जैसा संयोग सबके साथ होता, तो शायद वो बेरहम पंजे हर जिंदगी को गहरा जख्म न दे पाते।